कानपुर के निराला नगर रेलवे ग्राउंड में यूपी के वैश्य समाज को साधने के लिए आज आगाज 22 के नाम व्यापारी व वैश्य समाज का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश के 75 जिलों से लगभग 1 लाख के करीब वैश्य समाज व व्यापारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के आयोजन का कमान कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी को दी गई। इस सम्मेलन में नंदी ने प्रदेश भर के वैश्य समाज के वोटरों को साधने का प्रयास किया। जनसभा के बीच में बारिश ने खनन डाला, लेकिन व्यापारी वर्ग जनसभा स्थल पर सिर के ऊपर कुर्सी को तान कर डटा हुआ नजर आया। आगाज 2022 सम्मेलन की सफलता और वैश्य समाज को साधने की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने खुद संभाली। इसमें पूरे प्रदेश से व्यापारी एवं वैश्य समाज के लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। आपको बताते चले कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने पिछले 1 महीने से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर व्यापारियों से संवाद करने के दौरान खुद सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया। इसके साथ ही नंदी इस सम्मेलन के जरिए अपनी ताकत भी दिखाते नजर आए। नंदी का कहना है कि आगाज 2022 का मकसद व्यापारियों के भीतर स्वाभिमान पैदा करना है, उन्हें स्वाभिमान के साथ व्यापार का हक मिलना ही चाहिए। पर आज इस विशाल सभा में आप सबकी तकलीफ के बावजूद उनकी बारिश के बावजूद आए, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप सबका साधुवाद करना चाहता हूँ। वास्तव में व्यापारी समाज जो हमारा वैश्य समाज इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उस सब के आप नवरत्न है, आप बाहर रत्न है, और मैं तो सिर्फ आप सबका धन्यवाद करने आया हूँ कि आपके अथक प्रयासों से आज देश की अर्थव्यवस्था भी ठीक हो रही है, आज देश तेज गति से प्रगति कर रहा है, आज देश में एक बहुत बड़ा उत्साह है कि हम आगे एक आत्मनिर्भर भारत, एक बढ़िया आगे के भारत का निर्माण करने के लिए आप सब प्रतिबद्ध हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अर्थव्यवस्था के साथ साथ आपके कोविड के महामारी में भी देश में जो पूरे समय घर घर तक अनाज पहुँचाया, आवश्यक वस्तु पहुँचाई, जिसके कारण एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को विश्वास दिलाया था, उस विश्वास के पीछे आप सब खड़े, आप सबके प्रयासों से, आप सबने जो टैक्स भरा, जो कर भरे, जो GST इनकम टैक्स, उसके कारण आज विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा का आयोजन भारत के तहत भारत में हो रहा है। आज सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का काम 150 करोड़ वैक्सीन दे पाए आपके कारण। आज जो कुकिंग गैस हर घर तक पहुंची है, 9 करोड़ गरीबों को मुफ्त में पहुंची है, वो आपके कारण पहुंची है। जिस प्रकार से हमारे माँ बहनों को इज्जत कर देने का काम, 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम आपने किए करवाया आपके टैक्स के माध्यम से, मोदी जी घर पर जिस प्रकार से सौभाग्य योजना से हर घर में बिजली पहुंची, जिस प्रकार से आज 80 करोड़ गरीबों के घर में 19 महीने तक 5 किलो अनाज मुफ्त में हर महीने दिया गया, मैं समझता हूँ आज इस देश का हर व्यापारी। कार्यक्रम में 28 मंडलों के 75 जिलों में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने व्यापारियों के बीच जाकर आगाज 2022 का न्योता दिया। वहीं अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, नोएडा, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, कानपुर मंडल समेत अन्य कई जिलों में बैठक कर चुके हैं। नंदी की जनसभा में पीयूष गोयल के संबोधन की जैसे ही शुरुआत होने ही वाली थी, जनसभा के बीच में एक बार फिर बारिश शुरू हो गई, लेकिन इस दौरान व्यापारियों में एक अलग जोश देखने को मिला। जनसभा में मौजूद व्यापारियों ने कार्यक्रम स्थल में मौजूद कुर्सियों को अपने सिर पर कवच बनाकर बारिश में खड़े नजर आए, जिसमें नंदी और पीयूष गोयल भी देखकर गदगद नजर आए। मैं समझता हूँ आज इस देश का हर व्यापारी, आप अपने समाज के हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए अपने काम। देखिए भगवान भी
आप सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ। भगवान की काली बरस है आप सबके काम के ऊपर। उत्तर प्रदेश अगर आज भयमुक्त है, अगर उत्तर प्रदेश में आप कानून व्यवस्था है, अगर उत्तर प्रदेश में आप उद्योग और व्यापार तेज गति से प्रगति कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में आप राष्ट्र के पूरी तरीके से निर्माण का काम आगे बढ़ रहा है, भारत में काशी विश्वनाथ का मंदिर जो पुनर्वास हुआ है, ये सब के पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश आगे भी तेज गति से प्रगति करते रहे। काम के कारण जो पूरा दृश्य पूरे देश से देख है, 2017 के पहले क्या स्थिति थी और 2017 के बाद कैसी स्थिति बनी, मैं आप सबको मैं समझ रहा हूँ। बारिश बहुत तेज आई हुई है, आप सब आज इतने बड़े संख्या में जो एक विश्वास देने के लिए आए कि पूरा व्यापारी समाज पूरा वैश्य समाज माननीय योगी जी और मोदी जी के समर्थन में खड़ा है। और मैं मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आप जो उन्होंने आवाज किया, जो आप पूरे प्रदेश में आवाज पहुंचाई है, ये पूरा समाज मोदी जी और मोदी जी के पीछे पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है। मुझे विश्वास है आगे आने वाले चुनाव में जिसकी घोषणा जल्दी मीटों में होने वाली है, उस चुनाव में उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व विजय भारतीय जनता पार्टी और हमारे आने सहयोगी दलों की होगी। आप सबका आशीर्वाद पूरी तरीके से योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिले और डबल इंजन में ट्रिपल इंजन